Hello and welcome. I am Manzoor Hassan with J&K Bulletin. Let's begin our today's stories. A senior leader of Kashmiri Pandits in Jammu Kashmir, Sanjay Tikku, is on fast unto death against the UT government for ignoring the issues of non-migrant Kashmiri Pandits who stayed back in Kashmir Valley despite bad security situations. Tikku, who is also president of Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti, KPSS, accused the government departments of failure in implementing the relief and rehabilitation program announced by Government of India from time to time. His supporters and members of his group say the process of jobs and rehabilitation of non-migrant Kashmiri Pandits and their kids is being sabotaged. Now the news from Jammu. Security forces have recovered two AK-47 assault rifles and other ammunition in Sohal Khad area in Akhnoor district following a massive search operation. According to police, the arms and ammunition has been airdropped from a drone last night. The place is approximately 12 kilometers from the border with Pakistan in Akhnoor sector. During the investigation, police have found that militant outfit Jaish-e-Mohammed had planned this operation to send arms and ammunition to their active militants in Kashmir. In this regard, a case FIR number 156 of 2020 under various sections, including a section under Indian Arms Act, has been registered at police station Akhnoor and further investigation started. Later, SSP Jammu Shridhar Patel revealed the details in a press conference. खुफिया जानकारी जम्मू पुलिस के पास प्राप्त हुई थी उसके मद्देनज़र जम्मू पुलिस और आर्मी के स्पेशल ट्रूप्स ने एक खोज अभियान बॉर्डर एरिया में हमने चलाया था, जिसके नतीजन सोहलखड़ अखनूर के एरिया में एक जो हमारी गश्त और सर्च पार्टी थी उनको ड्रोन जैसी आवाज़ सुनाई दी, जिसके चलते वहाँ पे और ज़्यादा पार्टीज को रश किया गया और वहाँ पे एक कंसाइनमेंट जिसके साथ स्ट्रिंग्स और एक फाइबर का एक पैनल अटैच था वो वहाँ पे मिला। जब वहाँ पे एक कंसाइनमेंट मिली तो उसी के साथ वहाँ पे और ज़्यादा गश्त की गई, सर्च किया गया और दौरान तलाशी वहाँ पे एक और कंसाइनमेंट पैकेट वहाँ पे हमें मिला। दोनों पैकेट्स को खोलने के बाद उसमें से हमें दो AK-47 राइफल, तीन AK-47 मैगजीन्स, 90 राउंड्स, एक स्टार पिस्टल, दो पिस्टल मैगजीन्स जिसके 14 राउंड्स, पैकेजिंग स्टफ और साथ ही साथ दो 300 मीटर लंबे स्ट्रिंग्स के रोल्स अटैच्ड हुए पैकेट्स मिले। इसके मद्देनज़र केस FIR नंबर 156 2020 धारा 121, 121A, 124, 120B IPC और धारा 13 और 21 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और 7/27 इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत FIR पुलिस स्टेशन अखनूर में दर्ज की जा चुकी है और उसकी तफ्तीश शुरू की जा चुकी है। शुरुआती तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि ये जो हथियारों का जो कंसाइनमेंट है बॉर्डर के पार से यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा गया है और पर्टिकुलरली जम्मू और जम्मू कश्मीर वैली में इसका उपयोग करना था। दहशती तंजीमों के द्वारा ये की गई जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई को नाकामयाब करने में जम्मू पुलिस और आर्मी के स्पेशल ट्रूप्स कामयाब हुए हैं। इसके आगे की तफ्तीश में किस तंजीम के लिए ये सामान पहुंचाया जा रहा था और उसके बारे में जो आगे जानकारी हमें मिलेगी हम अगली प्रेस वार्ता में आपके साथ साझा करेंगे। जहाँ पे ये कंसाइनमेंट हमें मिला है वहाँ से बॉर्डर का अगर एरियल डिस्टेंस हम पकड़ते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर्स, 13 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। जहाँ तक अभी हमें कंसाइनमेंट मिला है हम मान के चल रहे हैं और इसकी खोज भी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं कि ड्रोन्स की जो कैपेसिटी है कौन सा ड्रोन यहाँ पे यूज़ किया गया हो। आप जानते हैं कि इससे पहले कठुआ में एक ड्रोन वहाँ पे BSF के द्वारा
मार गिराया था और उसके जो डिटेल्स मिले हैं उसमें हमें ये पता चला है कि इस ड्रोन की कैपेसिटी जो डिस्टेंस जो कवर कर सकता है वो 13 से 14 किलोमीटर तक की बनती है। तो अभी अभी क्योंकि इतना समय हमें मिला नहीं है कि इसमें हम डिटेल में जाके तफ्तीश करें कि जहाँ तक ड्रोन्स और ड्रोन्स के थ्रू जो ड्रॉपिंग्स हो रही हैं ये एक नई तकनीक दहशती तंजीमों की द्वारा अपनाई जा रही है। उस इस नई तकनीक को नाकामयाब करने के लिए टेक्नोलॉजी साथ ही साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आज की इस कंसाइनमेंट की रिकवरी का ताल्लुक है तो इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है और जिसकी वजह से हमने ये वाली कंसाइनमेंट पकड़ी है, उनके इरादे को नाकामयाब किया है। इसकी जो दूसरी साइड है जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उस दौर उस सतह पे भी हम लोगों का काम जारी है और किस तरीके से हम ड्रोन्स के खिलाफ एक कोई नई टेक्नोलॉजी लाए जिसके कि ये परमानेंटली हम इस समस्या का हल निकालें उसके ऊपर हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। Now the COVID news. Jammu and Kashmir has reported 1,249 new COVID-19 infections, taking the overall tally to 67,510 in the Union Territory. Among the new cases reported today, 603 were recorded in Kashmir, while Jammu Division recorded 646 infections, including 230 cases from Jammu District alone. As per the data, there are 19,918 active COVID-19 cases in Jammu Kashmir, while 46,530 patients have recovered from the disease so far. This was all in our today's J&K Bulletin. Bye for now. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.